नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साइबर अटैक्स में जो एक स्पेसिफिक क्लास है साइबर अटैक की, जिसे हम बोलते हैं फिशिंग अटैक्स, उससे हम किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। आमतौर पर इस तरह के जो एनिमेशन हैं आप देख सकते हैं, गुड मॉर्निंग, इस तरह के जो फायर क्रैकर्स हैं, हम जनरली जैसे ही सुबह उठते हैं तो हमें काफ़ी सारे एनिमेशन मिलते हैं, काफ़ी सारे जो हमारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन्होंने हमें अपने ग्रुप में ऐड किया होता है और वो हमें इस तरह के एनिमेशंस को सेंड करते हैं जस्ट टू ग्रीट। पर इसी तरह के एनिमेशंस, इसी तरह के जो इमेजेस के थ्रू किसी की भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन कोई भी ईजिली हैक कर सकता है। तो अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से इस तरह के एनिमेशन से एक फिशिंग लिंक क्रिएट हो सकता है और किस तरह से कोई भी किसी की भी इंफॉर्मेशन को कैच कर सकता है। तो इस वीडियो को बनाया गया है सिर्फ आपकी जागरूकता के लिए, सिर्फ आपकी अवेयरनेस के लिए, ताकि आप किसी भी अननोन पर्सन से आए हुए लिंक पर क्लिक ना करो, ताकि आपकी जो एक्चुअल लोकेशन है, ताकि जो आपकी एक्चुअल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मोबाइल की या लैपटॉप की, वो बाहर ब्रॉडकास्ट ना हो सके। अब देखिए, जैसे ये एक हाइपरलिंक है, इसको हम अलग से नोट कर लेते हैं, दिस इज़ योर एक्चुअल हाइपरलिंक। अब ये एक एक्चुअल लिंक है जिसे हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब मुझको सपोज़ किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन को कैच करना है कि वो कौन सा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, उसमें कितनी बैटरी है, वो किस पर्टिकुलर लोकेशन पर है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, तो वो हम इस हाइपरलिंक के थ्रू इजीली कैच कर सकते हैं। अब इस तरह से काफ़ी सारे हाइपरलिंक्स हैं। सपोज़ अब जैसे मान लो दिवाली का सीज़न है, दशहरे का सीज़न है, या कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल है, हमने उसका एनिमेशन देखा और उसका एक हाइपरलिंक हमने क्रिएट कर लिया। इस तरह से आप काफ़ी और भी चेक कर सकते हो, सब सिंपली आप नेट पर चेक कर सकते हो, जीफ एनिमेशन, गुड मॉर्निंग, आपको काफ़ी सारे एनिमेशंस मिल जाएंगे और यहाँ से आप इनको चेक कर सकते हो। जैसे अब जैसे हमने रैंडमली एक पिक कर लिया, तो हम रैंडमली कोई भी एक ले सकते हैं इनमें से। तो अब देखिए, आपके सामने काफ़ी सारे लिंक्स ओपन हो जाएंगे। अब ये एक जीफ एनिमेशन है, अब हम इसको ओपन करेंगे यहाँ पर। इस तरह से और भी आप काफ़ी सारे एनिमेशंस को ओपन कर सकते हो, जैसे ये एक जीफ एनिमेशन है गुड मॉर्निंग का। तो इस तरह के जो जीफ एनिमेशन है उसका हम एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको हम करते हैं ओपन इमेज इन न्यू टैब। अब देखिए, जैसे इसको हम रिमूव कर देते हैं, तो लिंक टू, अब हमने एक और लिंक ले लिया। जैसे ये एक लिंक है, तो हम चाहते हैं कि हमने एक फ्रेंड की इंफॉर्मेशन को कैच करना है, एक पर्टिकुलर पर्सन जो है उसके मोबाइल में कितनी बैटरी है, कितना कौन सा प्रोसेसर है, वो सब इंफॉर्मेशन को कैच करना है। तो हमने ऐसी कोई इस तरह से कोई लिंक ओपन किया और इस लिंक का हम जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो एक फिशिंग लिंक क्रिएट कर लेते हैं। तो वो कैसे करते हैं, उसकी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। एक काफ़ी फेमस वेबसाइट है grabify.link, ऐसी काफ़ी सारी लिंक वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी नेट पर। grabify.link है, IP logger है, अदरवाइज आप .NET, PHP, जावा, रूबी ऑन रेल्स, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसकी APIs आपको मिल जाएंगी। अब जैसे हमने इसको यहाँ पर डाल दिया क्रिएट URL, अब इसका एक नया URL बन जाएगा। इसका एक्चुअल URL तो है ये वाला asgif.com, और इसका जो एक मॉर्फ्ड या फोर्ज्ड URL है वो ये बन जाएगा। अब अगर मान लो किसी को ये पता लग गया कि ये grabify.link है, तो ऑब्वियसली बात है कोई इस पर क्लिक नहीं करेगा, दिस इज़ फोर्ज्ड लिंक या मैनिपुलेटेड लिंक। अब ऑब्वियसली बात है जो भी जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, जिसको थोड़ा बहुत भी पता है इसके बारे में, उसको पता लग गया कि एक लिंक आया है, वो उस पर क्लिक नहीं करेगा। तो पर उसको भी डिस्गाइज करने का एक तरीका होता है। अब जैसे मान लो यहाँ पर चेंज डोमेन, अब यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे लिंक्स हैं यूट्यूब। अब मान लीजिए किसी के पास एक लिंक आ रहा है यूट्यूब का, तो और किसी ने इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया उसको देखने के लिए, तो उसको लगेगा कि एक्चुअल में किसी का यूट्यूब का लिंक है। कॉपी, अब देखिए ये एक फोर्ज्ड लिंक, एक और हमने लिंक क्रिएट कर लिया। अब देखिए ये, अब इस तरह से जो एक
हाइपरलिंक है ये क्रिएट हो गया। अब अगर मान लो किसी ने इसको ध्यान से नहीं देखा इस पर्टिकुलर लिंक को, तो उसको लगेगा कि ये एक्चुअल में यूट्यूब है, जबकि ये एक्चुअल में यूट्यूब नहीं है। ये यूट्यूब का जो लिंक है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है। अब देखिए आप इसको यू जो है इसमें थोड़ा सा अलग वे में लिखा हुआ है, तो ये काफ़ी ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आपके पास कोई लिंक आता है किसी फेस्टिवल पर, आपकी एनिवर्सरी है या हर रोज़ मॉर्निंग में कोई आपके पास लिंक आ रहा है, तो आप उसको ध्यान से देखो कि वो एक्चुअल में यूट्यूब का लिंक है या नहीं। अब देखिए मान लो ये एक लिंक है, अब इस लिंक को मान लीजिए किसी ने मेल से भेज दिया, मान लो मैं किसी को मेल से इस लिंक को सेंड कर देता हूँ, या व्हाट्सएप से किसी को इसे हम सेंड कर देते हैं। अब जैसे कोई भी मान लीजिए एक नया लिंक हमने ओपन कर लिया, अब मैं इसको अपने आप को ही मेल करता हूँ जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, तो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं इसको अपने आप को मेल कर रहा हूँ ताकि आपको बताया जा सके कि किस तरह से लिंक्स भेजे जाते हैं। इसी तरह से इस लिंक को, ये जो लिंक है इस लिंक को हम व्हाट्सएप से भेज सकते हैं, तो जो दूसरा पर्सन जो है वो देखेगा कि ये एक्चुअल में क्या है, यूट्यूब का है। अगर उसने इसको ध्यान से नहीं देखा तो फटाफट क्लिक कर देगा, और जैसे ही क्लिक करेगा उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे मान लीजिए गुड मॉर्निंग, अब ये गुड मॉर्निंग का एक है हमने सेंड कर दिया, मैंने अपने आप को मेल कर दिया। और जैसे मैं इसको मेल करता हूँ, जैसे मैं तो चलो हमने तो चलो अपने आप को मेल किया है, अगर मान लो मैंने अपने आप को मेल नहीं किया, मैंने किसी फ्रेंड को मेल कर दिया, तो वो क्या करेगा, वो फटाफट देखेगा उसने इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया इस पर्टिकुलर लिंक को, वो फटाफट क्लिक कर देगा इसको, और उसको लगेगा कि ये एक पर्टिकुलर एनिमेशन है। अब इस तरह से देखिए तो उसको लगेगा कि वो मैं उसको विश कर रहा हूँ, मैं उसको गुड मॉर्निंग कह रहा हूँ, तो दैट पर्टिकुलर पर्सन विल फील हैप्पी। पर उसको ये नहीं पता है कि मैंने उसको ये लिंक भेजा है उसकी इन्फॉर्मेशन को कैच करने के लिए। अब देखिए कि इस सेम हाइपर लिंक को जब मैं रिफ्रेश करता हूँ ग्रेबीफाई पर, तो मुझे उस पर्सन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिसीव हो जाएगी जिसने उस लिंक पर क्लिक किया होता है। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए कि मेरी लोकेशन क्या है, दिस इज़ माई आईपी एड्रेस, मैं कौन सा, अब ऑब्वियसली बात है विंडोज 764, इसका मतलब है कि मैं लैपटॉप से इसको ओपन कर रहा हूँ, और मेरा जो आर्किटेक्चर है दैट इज़ 64-bit आर्किटेक्चर, मैं एयरटेल का कनेक्शन यूज़ कर रहा हूँ, और चाहे वो डोंगल है या फिर वो वाईफाई हॉटस्पॉट है, किसी भी तरह से वायरलेस हॉटस्पॉट है। अगर हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ पर भी हमें पता लग जाएगा कि मेरे पास कौन सा ब्राउज़र है। तो इस तरह से अगर हम इसमें कुछ और, अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है रेफरर यूआरएल, अगर मान लो हम यहाँ पर इस लिंक को सेंड करते हैं किसी को व्हाट्सएप के थ्रू, तो यहाँ पर दिखा देगा वो व्हाट्सएप, कि व्हाट्सएप के थ्रू वो इस ट्रैफिक पर आया है। इसी तरह से हम किसी की भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को फैच कर सकते हैं काफ़ी ईजीली फिशिंग यूआरएल के थ्रू। तो ये आप सभी को एडवाइजेबल है, एक जस्ट फॉर अवेयरनेस, कि आप कभी भी आपके पास कोई लिंक आता है, जब भी आपके पास कोई इस तरह का हाइपरलिंक आएगा कि गुड मॉर्निंग के लिए या कोई गीता ज्ञान या इस तरह से कुछ भी आता है हर रोज़, तो आप एक बार देख लें कि वो उसका यूआरएल क्या है, उसका एक पर्टिकुलर लिंक किस तरह से बना हुआ है, और अगर आपको सस्पिशियस लगता है वो लिंक तो आप उस पर बिल्कुल क्लिक ना करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, अगर आपके कोई सजेशंस हैं, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो को मैं कैसे इम्प्रूव करूं अगली बार, तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू।